अस्सलामुअलैकुम हजरत साहब, शर्ट भी लवाई हेलमेट भी नहीं पाया, दोस्त क्या कर रहे हो? बस जो शुगर का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन आरफीन खान। आरफीन साहब, मुझे ये बताएं कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? बस सर वो हेलमेट पहनता, मेरे चोट लगी, ये उठाने मुश्किल हो रही है। अब से शुरू कर देंगे, अपना चुक लेंगे। आप चाहते हैं इधर भी चोट लगे? नहीं अल्लाह ना करे, आप तो शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आप अच्छा काम है, बैक व्यू मिरर जो है इसमें देखते ही नहीं आप, ये नीचे बेचारे गिरे हुए हैं। ये सही नहीं है, इसको सही कराना है। ये देखें बेचारा, ये तो नया लगवाना है। बैक व्यू मिरर ये तो नया लगवाना है सर, ये तो टूट गया, नया लगवाएंगे। अब टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, दफ्तर से फारिग होंगे इस टाइम पे। अपनी जान के लिए तो टाइम निकाल लें। यू आर राइट सर, अपनी जान से मुराद महबूबा ना समझ लेना यार। नहीं सर, यू आर कमाल है, रोमांटिक लोग हैं, पता भी नहीं चलता क्या समझ ले। आपको एक बात बताऊं, आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, नो डाउट इन इट के भाई इसमें रेशो बहुत कम है, लेकिन जहां तक ट्रैफिक पुलिस का ताल्लुक है, ट्रैफिक पुलिस रेगुलर बेसिस पे ये काम करती रहती है और रेगुलर बेसिस पे इस पे चालान भी होते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम लोग इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अभी प्रॉपर हमने स्टार्ट नहीं किया इसके ऊपर इन्फोर्समेंट। सूफी साहब हेलमेट किधर है? हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं पहना। क्यों? हेलमेट बेच के LCD ले लिया? नहीं वो गाड़ी पड़ा। हाँ LCD बेच के हेलमेट ले लो वापस। ठीक है। बैक व्यू मिरर किधर है? नहीं। क्यों? वजह मुस्कुरा के दिखा दे। हजरत साहब आपकी सेहत हमें बड़ी अजीज है, आपकी तंदुरुस्ती बड़ी अजीज है, सेफ्टी से आप घर चले जाएं, हिफाजत से घर चले जाएं, कितनी अच्छी बात है। पहन के आता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। सर्दियाँ च पाते हो हेलमेट? हाँ जी। वो सर्दी तो बचने से पाते हो? हाँ जी। बड़े रोमांटिक लोग हैं। क्या बंदा करे, सर्दियों में हेलमेट सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, सर्दियों में हेलमेट सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, अपनी हिफाजत के लिए नहीं पहनते। आप हिसाब लगाएं, ये सूरत हाल है। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का ताल्लुक है, ट्रैफिक पुलिस अपने तौर पे पहले भी बहुत ज़्यादा इस पर कोशिश करती थी, लोगों को अवेयर भी करती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम। आप आइए साथ, क्योंकि लोगों से भी हमने इंटरेक्शन करना है। DSP साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं यार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ बेटा? सर मैं तो बाइक चलाता हूं, अभी चलाई। बाइक नहीं चलाते? तो ये खोते थे बैठा हुआ। नहीं अभी आया हूँ। हार कमाल यार, बाइक नहीं चलाता। चले ख्याल रखो, ये अपनी आपकी अपनी जान के लिए जो है जरूरी है, आपके घर वालों के लिए जरूरी है कि आपकी जान बची रहे। और ज्यादातर जो लोग इसमें जिनको तकलीफ पहुंचती है या एक्सपायर हो जाते हैं, वो हेलमेट की वजह से होते हैं। आपकी मेहरबानी है, अपने लिए जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल। कुछ समझ आई है? अदरवाइज क्या कहा है सर ने? आपको जुर्माना भी होगा। क्या करना है? हेलमेट नाल देने नहीं पौना बेटा, खुद पाना है। ठीक है, सियाने लोग हैं, क्या बंदा करे, सूरत हाल समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, आपका मोटरसाइकिल किधर है? ऐलान करें, इनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। हाँ जी, क्या करना मोटरसाइकिल? अच्छा आप बात पूरी करें, फयाज मलिक साहब ने आपको कहा है कि कोई पॉलिसी नहीं है? नहीं पॉलिसी, बुरा हाल है। मैं आपको ये बताऊं कि जब से आप मेरे साथ आइए, फयाज साहब आइए, लोगों से इंटरेक्शन करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? और मुझे बताएं फयाज साहब, आइए इनसे बात करें, पूछे इनसे कहाँ क्यों नहीं पहना इन्होंने। जी आपने क्यों नहीं पहना हुआ भाई हेलमेट? क्यों नहीं पहना? हेलमेट क्यों नहीं पहना जी? ऑफिस रखा था मैं, इधर ही काम आया, इधर ही जॉब नहीं, आपके सर पे बैठने के लिए और आपकी अपनी जान के लिए, आपकी अपनी हिफाजत के लिए। कुत्ता पड़ जाए तो उतार के बंदा कुत्ते को भी मार लेता है, समझा करो बात। अगर आप नहीं पहनोगे तो आपको जुर्माना भी होगा और आपकी बाइक बंद हो जाएगी, आप भी बंद हो जाओगे, आपको तकलीफ होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हेलमेट पहन के निकलना है, ड्राइवर ने भी और जो साथ बैठे उसने भी। चलो शाबाश, आप कुछ कहने लगे शहजाद साहब के लिए आपने ख्याल ये कुछ कहने लगे जी? हाँ जी हाँ जी बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये कंपेन चला रहे हैं, बहुत अच्छी कंपेन है, हेलमेट जो है हमारी हिफाजत के लिए होता है। मैं लाहौर होटल गया हूँ, मैंने कहा यार मुझे अच्छा हेलमेट दो जो मेरे सर की भी पूरे यानी कि हिफाजत करे। उसने मुझे बदतरीन हेलमेट दिया, यानी उसने मुझसे 800 रुपए भी ले लिए, किसी काम का नहीं। यानी चार दिन वो मैंने डाला है, उसकी जो फॉर्म था यानी जिसको कहते हैं सॉफ्टनेस, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम इंशाल्लाह हेलमेट डालेंगे। लेकिन आप जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे हेलमेट मंगवा के दें, लाहौर होटल जाएँ, दुकानदारों को इस चीज़ का पाबंद करें कि यार आवाम को जाए अच्छे हेलमेट जो है यानी कि फराम करे, जिसके अंदर उसका सांस भी आए। हम हेलमेट डालते हैं ऐसे लगता है जैसे कब्र के अंदर आ गए हैं, सांस ही नहीं लिया जाता। सांस नहीं लिया। बहुत शुक्रिया आप, घुटन है, बहुत घुटन है हेलमेट के अंदर। ये ठीक बात है। हाँ जी हेलमेट में घुटन तो नहीं, AC लगा है? फीलिंग तो थोड़ी, एयर कंडीशनर और हैंडल हेलमेट है कि सादा ही है? बस गुजारा है। नहीं अच्छा नहीं है ना, गुजारा हो जाता है। बैक मिरर किधर है आपके? बैक व्यू मिरर पीछे देखने के लिए वो उतार लिए, उतार लिए किसी ने? किसी ने, वो खुल जाता ना, दोनों लाले, दोनों उतार देते हैं, दो तीन दफा लगाए उतार चिट, मैंने कुछ चिट तो नहीं लगा के गया जाते हुए इधर? नहीं कि भाई जान मैंने उतारे देते हैं, वो आसे उतर जाते हैं। आप घबराइएगा नहीं, मैं ले गया हूँ,
ऐसा कुछ नहीं है जी सर। अच्छा तो फिर इसका मतलब है कि सूरत हाल आपके सामने है जी। शहजाद साहब आप ये देखें सड़क पे जी जी। वो देख लें नहीं, आपको कोई दूसरी राय नहीं है कि बॉस कोई बंदा भी नहीं नजर आएगा हेलमेट में इक्का दुक्का। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारे लोग हमारे जो है वो हेलमेट नहीं पहनते। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को किस तरह इम्प्लीमेंट आप करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट। ये देखें आप नौ उम्र लोग हैं, अब मेरी ये देखें वो देखें बच्चा मर गया फिर कौन जिम्मेदार होगा? आए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, ये आपने इंटरेक्शन करना है ना, आप ही पूछे इनसे। आप कैसे चला रहे हो बाइक? ये देखें छोटा बच्चा क्या है 16 साल। तो आपको नहीं पता कि ये भी आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते? मोहल्ले में चलाते हैं वैसे कुछ लेने हैं। मोहल्ला तो नहीं है बेटा, ये तो बड़ा रोड है ठीक है, और आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ये शीशे भी नहीं लगे हुए, ये तो बहुत बुरी बात है। फिर उन जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते आपका लाइसेंस नहीं बनता। वो भी पकड़ लिया तुम्हारे साथ आया? अभी अब आपको थोड़ा अपने पास रखेंगे, अपने वालिद को बुलाएं, आप उनसे अब छोटी लेंगे छोटी बाउंड। अब्बा क्या करते हैं आपके? उसके बाद आपको जो है अब्बा क्या करते हैं? दुकान है। किस चीज की दुकान है? अतर की, परफ्यूम की। अतर की दुकान। तो आप पढ़ते हो जी? किस क्लास में? 7 में। तो बेटा इस तरह आप कम उम्र हो, बाइक तो नहीं चलानी चाहिए? इसकी जूती लेने आए थे ना इसलिए आए बेटा। जूती आते हैं हमको रोज आते हैं। तो बेटा किसी और चीज पे आ जाए करो। चलो ठीक है, ठीक है। देखें जी क्या सूरत हाल है। और एक और बच्चा लाए थे शहजाद साहब, उनको भी देखें चेक करें। और कहाँ गए हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स किधर गए? मैं आपके भाई यहाँ तो आवे का बिगड़ा है, हाल ही कोई नहीं। वो देखें आप दिखा सकते हैं जी कैमरामैन, वो देखें जो भी जड़ा पन्नो ही लाल है। शहजाद साहब आपको तो बहुत काम इधर करना पड़ेगा, और इतनी अंत तक फारूक साहब भी हमारे साथ है जी। सुन लेना, उसमें ये है कि जैसे कि ऑनरेबल कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिए हुए हैं, आज से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट। अब तो आप ना करेंगे इम्प्लीमेंट तो क्या बनेगा मुझे पता है। सुन तो लेना, उसमें हम ये कर रहे हैं कि अभी हम लोग लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, साथ साथ इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर मुहर्रम 23 जो है वो प्रॉपर एक कंपेन चलेगी जिसमें हर बंदे को जो है वो चालान किया जाएगा, बंद किया जाएगा, और उनके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद कानूनी कार्रवाई का वादा क्यों नहीं करते आप? इंशाल्लाह जब हम लोग कार्रवाई करेंगे तो उससे बेहतरी आएगी। और ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, वैसे तो रूटीन में भी हम करते हैं, इसके लिए हमें आपकी भी जरूरत है, दूसरे दोस्तों की भी जरूरत है, आपको हम साथ लेके चलेंगे और बेहतरी। हाईकोर्ट का आज अगर ऑर्डर ना आता आप भी देखेंगे कि इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, अगर नहीं आएगी तो हम आपके साथ आपसे भी पूछेंगे कि आप भी हमें सजेस्ट करेंगे किस तरह हम मैनेज करें। मैं कुछ अदाद शुमार के साथ बात करना चाह रहा हूँ। पहले तो शहजाद साहब ये जो कह रहे हैं ना कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, यकीनन ये सब कुछ कर देंगे, मगर मुझे ये बताएं फहद, जिस शहर में सालाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के चलानों की सालाना शरह 20 लाख से जायद हो, ये रजिस्टर्ड चलान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आम रूटीन या ऐसे चलानों की शरह क्या होगी जो कि कोर्ट ही नहीं हो रहे, जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, वो ट्रैफिक कवानीन के चलान है। तो भाई जहाँ रोजाना 250 से 300 बंदा ट्रैफिक हादसा का शिकार हो, रेस्क्यू के फारूक साहब आ गए, आप इनसे दादो शुमार ले लें, मगर मैं ये समझता हूँ जहाँ पर 20 लाख सालाना चलान है तो वहाँ ये प्रोग्राम, ये आगाही प्रोग्राम, ये फलां प्रोग्राम, ये कुछ नहीं है। ये हेलमेट की मुहिम हर साल चलती है, साल में 2 मरतबा चलती है, मगर चंद दिन चलने के बाद, 2 हफ्ते चलने के बाद ये ठप हो जाती है, इसके बाद एक नई आगाही मुहिम शुरू हो जाती है, वो 2 हफ्ते चलती है, फिर उसके बाद एक नई, ये मुहिम दर मुहिम का सिलसिला है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। मतलब इस हद तक तो बात ठीक है कि ये साल बाद मुहिम चलती है और वो सर्दियों में ही चलती है, बहुत सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम, आपको हीरो बनाना चाहते हैं यार, आप टीवी पे नहीं आना चाह रहे, क्या हाल है आपके, किधर जा रहे हैं? सर ये शादमान जाना है। फारूक साहब आइए, शहजाद साहब आइए, शादमान जाना है जी सर। तो हेलमेट किधर है इनसे पूछे जी। फारूक साहब क्या क्या इनकी चीज़ें पूरी नहीं है आपके जो SOPs हैं उनके मुताबिक? अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? तर्जुमान है 1122 के जी सर, अफसर हैं कि जब ये गाड़ी चलाते हैं और आपका किसी का एक्सीडेंट। एसपी साहब आप भी पास आइए। तो आपके लिए हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है? मतलब हेलमेट जो है वो आपकी ज़िंदगी की अलामत है। रेस्क्यू को रोज़ाना 250 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल रिपोर्ट होती हैं और उनमें से 80% लोग वो हैं जो सिर्फ मोटर बाइक वाले हैं, और कम से कम रोजाना 2 से 5 लोग एक्सपायर होते हैं सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, आपके घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप ज़रूर हेलमेट पहने और मेरे साथ खड़े हैं लोग, आप इनके ऑर्डर को ओबे भी करें, और अगर ये कभी ना हों
ये जरूरी नहीं है कि हर रोड के ऊपर हो। आप जब घर से निकलें अपनी जिंदगी को कीमती जाने और हेलमेट पहने। आप यकीन करें रोजाना जो लोग एक्सपायर होते हैं उनमें से किसी दिन मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। इनसे पूछे जी क्यों नहीं पहना हेलमेट? पहनते नहीं? नहीं सर पहनता हूँ मैं। और ये इधर बैक व्यू मिरर किधर है? कैसे जादूगर शख्सियत है आपकी, पीछे भी देख लेते हैं आगे भी देख लेते हैं? भाईजान क्या बात है, फन व्हीलिंग तो नहीं करते? नहीं सर। कमाल है यार। डीएसपी साहब भी पूछना चाह रहे हैं आपसे कुछ, शहजाद साहब पूछे। ओए डरा करें, इनसे अफसर है सारे। अब आपने सारी बातें पूछ ली हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी जान के लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, बैक व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि अभी तो हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, अभी 10 दिन के बाद इंशाल्लाह हम लोग कंपेन शुरू करें जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको हैवी जुर्माने भी किए जाएंगे और आप बंद भी हो सकते हैं। इसलिए केयर करें अपना। बताइए कि आप हाईकोर्ट पीछे खड़ा है, हाईकोर्ट के आप ऑर्डर दें? इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट के भी ये ऑर्डर्स हैं और इंशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस उसको ओबे करेगी। ठीक है जी, जरूर। कोई मिरर मुरर लगाएंगे इसको? जरूर इंशाल्लाह। कुछ लगाने वाला शीशा ला लो, कुछ करो यार प्लीज। सर हेलमेट तो जरूरी है इंशाल्लाह, हेलमेट पहनेंगे, बहुत जरूरी है हेलमेट जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या खूबसूरत ठाइयां लगाए, प्यारे प्यारे लोग। भाईजान किधर जा रहे हैं? हैं ऑफिस जा रहे हैं। वो इको ऑफिस से नहीं चले दोनों? इको ही ऑफिस। बंदे के लिए भी हेलमेट जरूरी है, सिर्फ अगले के लिए नहीं। आपने भी हेलमेट नहीं पहना? फ्रंट वाला ही ज्यादा पहनते हैं, मेन नहीं, दोनों के लिए जरूरी होता है। ये गिरेंगे अल्लाह ना करे तो आप भी गिरेंगे तो ये बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। हेलमेट पहने होंगे तो कोई बचत का रास्ता निकलेगा ना, इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो बैक मिरर, बैक व्यू मिरर किधर है? कैसे जादूगर आदमी है आप, हैं कि आप आगे भी देख लेते हैं, सज्जे कभी भी देख लेते हैं, मिरर भी नहीं लगा हुआ, क्या बात है। नैन नशीले हैं, नैन मटक्का भी करते हैं, मिरर के बगैर ही कर लेते हैं, क्या चक्कर है? वो खूबसूरत चेहरों का ताकुब कैसे करते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के मिरर के बगैर? सामने देखना पड़ता है, सामने से ही है। सामने कैसे? सड़क को देख के चेहरा आपको मिरर में भी नजर आ सकता है यार। और किसी हुसन के वास्ते आप इधर मिरर लगा ले, क्यों सर? वो लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, छोटी पर्पस के लिए तो लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये फारूक साहब है तर्जमान हमारे 1122 के। फारूक साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं इन्हें जरूर। एसपी साहब किधर हैं? हमारे भाई हैं। सिर्फ अगले बंदे के लिए जरूरी नहीं है बल्कि जो पीछे बैठता है उसके लिए भी मोटरसाइकिल उतना जरूरी है, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। आप ये हेलमेट सिर्फ अपने लिए नहीं पहने बल्कि अपने बच्चों के लिए पहने। जो पीछे आदमी बैठा है जब सर लगता है तो जमीन ये नहीं कहती कि ये ड्राइवर था तो इसको चोट ज्यादा लगनी है और पिछले बंदे को कम लगनी है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? प्याली जी गुड़िया का क्या नाम है? अल्फा। अल्फा किस क्लास में है? अभी केजी में, प्रेप में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम मुगलपुरा लालपुर। लालपुर जरूर जाएं, लेकिन आपने हेलमेट वगैरह नहीं पहना, बाजी बैठी है साथ, प्यारी जी गुड़िया बैठी है, आपने भी हेलमेट नहीं पहना, और क्या क्या और प्रोटोकॉल इनके होने चाहिए जी? देखिए, इसके अलावा हमारे साथ लोग खड़े हैं यहाँ, अगली सीट है यहाँ पे, किसी बच्चे को बैठाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है और ये बच्ची बड़ी प्यारी है, हमें अपनी बेटियों की तरह है। प्लीज आप हेलमेट पहने और बेटा जी को कभी भी आगे ना रखे, इसके लिए भी नुकसान दे आई है। ये बड़ा सीरियस मामला है, 1122 से पूछिए, जो सारा सारा दिन उन लगते जिगर और उन लोगों की नाशे उठाते हैं और जख्मियों को उठाते हैं, इन पे क्या बीतती है, क्या गुजरती है, इनसे पूछिए। बड़ी दास्तानें रकम है इनके सीनों में और ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, इंतहाई संजीदा टॉपिक है और इसको संजीदगी से लेना चाहिए। और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और अगर इस हजूम को आप थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लें तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।